और भाई कैसे हो? अरे हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे शिबा इनू की अपडेट को लेके फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सारी बातें हम शिबा इनू से बारे में करेंगे और लोगों का क्या कहना है, और इस पे वजीरेक्स के जो सीईओ निशल शेट्टी है उनका क्या रिप्लाई है, वो सारी बातें हम करेंगे। उससे पहले एक और मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। एक टेलीग्राम पे कोई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे शिबा इनू कॉइन पोल कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ। ठीक है, ये देखिए, पहले मैं आपको ये जो उन्होंने मुझे भेजा है उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये शंकर यादव हैं, इनका रिप्लाई है निशल शेट्टी को। वो कह रहे हैं कि सर आई हैव बॉट इंटरेस्ट एंड बॉट शिबा। उन्होंने कह रहे हैं शिबा मैंने ले लिया है 3 रुपये में, 3 रुपये के प्राइस पे फॉर 2,30,000 सर। नाउ ऑल लॉस्ट, फाइनेंस पर्सन कमिंग टू माई होम एंड थ्रेटनिंग मी, प्लीज हेल्प सर, आई एम प्लानिंग टू डाई, आई कैन नॉट आंसर देम सर, प्लीज बेग यू, बिकॉज शिबा के शिबा इनू, बिकॉज ऑफ शिबा इनू, एल्स आई विल डाई, चेक योर इनबॉक्स सर, माई अकाउंट। यहाँ पे इन्होंने नीचे अपना नीचे डिटेल्स दे दी हैं कि उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया और कितना पैसा निकाला था, सब उन्होंने नीचे डिटेल्स दे दी हैं। तो देखिए, ये जो शंकर यादव हैं, इन्होंने वही किया जो काफ़ी लोगों ने किया, जिस वजह से काफ़ी लोगों का पैसा इसमें स्टक हो गया। बहुत लोगों ने जैसे ही कॉइन आया वजीरेक्स पे, और क्योंकि ये पहले ही बहुत यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना चुके थे, तो लोगों को लगा नहीं यार ये बहुत ही ऊपर जाने वाला है। इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था शिबा इनू के बारे में, जिस वजह से क्या होता है, जैसे ही ये कॉइन वजीरेक्स पे आया, लोगों ने इसमें मतलब ब्लाइंडली पैसा लगाना शुरू कर दिया, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हाँ वो इलॉन मस्क का ट्वीट था। इस वजह से अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो वजीरेक्स पे जब भी कोई नया कॉइन आता है वो ऐसे ही फ्लक्चुएट करता है, चाहे एच बार हो चाहे और कोई कॉइन हो, सारे कॉइन्स का जो प्राइस आता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा आता है। अब इसको हम स्कैम कहेंगे या नहीं कहेंगे वो हम बाद में देखते हैं, बट यहाँ पे हमारा क्या है कि देखिए, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी शिबा इनू के बारे में, उसमें ये इसका प्राइस चल रहा था 1606.00 1606। मैंने तब भी आपको मना किया था कि इस पर आप पैसे मत लगाना अभी, स्टिल इट्स नॉट द राइट टाइम। जब राइट टाइम आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद देखिए, अच्छा हुआ हम में से किसी ने पैसा नहीं लगाया होगा, आई होप किसी ने नहीं लगाया होगा। शिबा इनू अभी देखिए चल रहा है -12.87, ये 1600 से वापस से 1465 पे आ गया। तो आई होप हम सब सेफ होंगे, हमने अभी किसी पे पैसा नहीं लगाया इस पे शिबा इनू पे। तो अभी हम यही करेंगे कि एक हफ्ते और आने वाले टाइम पे अभी हम इस कॉइन पे बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए हम सबको ललचाने के लिए कि हाँ अभी इसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो गई है, अब लगा देना चाहिए। बट मैं कहूँगा डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, बिल्कुल इसमें फंसना मत। और अभी इसको देखते ही नहीं है, इस कॉइन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इस पे वैसे ही बहुत बवाल चल रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे, जब आएगा, जब सही सही टाइम लगेगा मुझे तब कि हाँ अभी इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आप सबके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो शिबा इनू के बारे में काफ़ी लोगों का कहना है कि ये देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि ध्वनि का कि वी वांट द एग्जैक्ट अमाउंट इन्वेस्टेड बैक और कॉम्पेंसेट विद द टोकन्स, नथिंग मोर नथिंग लेस, थैंक्स फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कुड हैव डन इट विदाउट ब्लेमिंग अस। सो दिस इज इनका कहना है कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। ठीक है, डोंट वरी अबाउट, डोंट टॉक अबाउट वजीरेक्स एंड ट्रस्ट इन द सेम सेंटेंस, ये कह रही हैं ध्वनि वापस से। देखिए, उन्होंने वीडियो भी अटैच किए कि जिसमें उन्होंने कितना प्राइस चल रहा है शिबा इनू का जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो ये सब लोग, ये देखिए वो जिनका मैंने अभी आपको ट्वीट दिखाया वो भी हैं, प्लीज़ रीट्वीट एंड स्प्रेड द वर्ड के बैन वजीरेक्स स्कैम। तो ये सारे ट्वीट्स लेके हैं, सारे वजीरस को लेके ट्वीट हैं। ये देखिए यहाँ पे रेटिंग इसकी इतनी कर दी है, 1 की रेटिंग इतनी बढ़ गई है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, जो कि शिबा इनू के साथ हुआ। देखिए, और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस पे हाई रिस्क इन क्रिप्टो इज अंडरस्टैंडेबल, बट लिस्टिंग ऑफ शिबा इनू कॉइन एट हायर प्राइस फॉर बाय देन अदर मार्केट्स इज नॉट अ रिस्क, इट्स प्लान्ड ill intentions to eat our money, it's a scam, refund our money, ये टिकट और रिफंड नंबर इन्होंने डाल दिया है। ये सारे जो हैश टैग्स लेके
सारी बातें हो रही हैं तो ये शिबा इनू को लेके ही हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका निशा शेट्टी का कहना क्या है इन सब बातों को लेके। तो उन्होंने एक घंटे पहले ही अभी ट्वीट किया है, तो उन्होंने बोला है कि देखिए प्लीज अंडरस्टैंड हाउ एक्सचेंज वर्क्स, WazirX डज नॉट सेल टोकन्स टू यू। इफ यू आर ट्राइंग टू ब्लेम WazirX फॉर सेलिंग शिबा देन इट इज इनकरेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि हम WazirX आपको सेल नहीं करता है टोकन, अगर आप WazirX को ब्लेम करना चाह रहे हो कि हमने आपको शिबा सेल किया तो वो गलत है। वी आर अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल लाइक यू बाय एंड सेल टोकन्स। तो हम एक एक्सचेंज है जहाँ पे आप लोग बाय और सेल करते हो। हैविंग सेड दैट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन फाइंडिंग अ वे टू हेल्प आवर यूजर्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पर हमारा काम चल रहा है, हमारे यूजर्स को हेल्प करने के लिए इस पर हमारा काम चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने ये जो एक नीचे ट्वीट किया था 3 घंटे पहले, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि WazirX इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, शिप टोकन प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय कस्टमर्स बेस्ड ऑन बाय एंड सेल, ठीक है, बट वी अंडरस्टैंड कंसर्न्स ऑफ आर यूजर्स। तो यहाँ पे वो इस बात को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि लोग प्रॉब्लम में हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। 3 घंटा पहले उन्होंने बोला ये, उसके बाद बोला कि IR टीम इज डिस्कसिंग इंटरनली ऑन हाउ टू हेल्प इन वट एवर वे वी कैन, वी विल अनाउंस सम सॉल्यूशन सून। तो देखिए ये एक अच्छी बात है कि वो इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, इग्नोरेंट नहीं हो रहे हैं इस बात को लेके कि नहीं ये हमारे वो नहीं है, इस बात को वो कह रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग इंटरनली कि हम किस तरह से अपने यूजर्स को हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसी ट्वीट को लेके एक और रिप्लाई किया है, उन्होंने बोला है कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड वी विल बी वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन, हैव पेशेंस। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, उनका कहना है कि आप कंक्लूजन पे मत आ जाइए कि WazirX एक स्कैम है और ये है वो है, ये उनका कहना है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मुझे आपको दिखाना था। उसके पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि इसमें आपको क्या लगता है कि क्या WazirX एक स्कैम है, क्या जो निशुल शेट्टी है एक स्कैमर है, आपको ऐसा लगता है क्या? क्योंकि देखिए सारे कॉइन्स ऐसे ही लिस्ट होते हैं, क्योंकि शिबा इनू बहुत ही हाइप में था पहले से, बहुत लोग इसके बारे में सुन चुके थे कि हाँ ये कॉइन आएगा, जैसे ही वो आया लोगों ने पैसे लगाए। बट WazirX में जैसे ही सारे कॉइन जो भी कॉइन आते हैं वो ऐसे ही लिस्ट होते हैं। तो क्या आपको लगता है ये स्कैम है, मुझे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना ताकि मुझे भी पता चले कि यार ऐसा है क्या और ऐसा नहीं है क्या। जो भी आपका होगा आप उसमें ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, तब हम वहाँ पे बात करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।